वाओ तलवार पीहू की तो आज हमारे साथ जी आए इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी पेट में गैस्ट्रिक जी। टहर के पास सुंदरनगर जाने के लिए मनाली नेशनल हाईवे पे कि मेरे को क्यों क्या हुआ ले लो थोड़ा थोड़ा सा ले ले मैंने खा ली ए, ए अब आप लो लो आप लो अब लो पीहूं लो लो कैसा है यम्मी है अच्छा चाय पीता हूँ मैं पास लो थोड़ा सा और लो लो आप लो यार ये क्या वो देखो कहाँ पहुंच गई देखो इसको ओ वाओ और वाओ और वाओ और वाओ हमारा पी हुआ 11.65 वेरी गुड वेरी गुड हाँ बस हो गया बस बस रख दो इसको ओ वाओ तलवार पीहू की ये ले ले हाँ वाओ लो अपनी तलवार लो लो तलवार ये है जी टहर के पास सुंदरनगर जाने के लिए मनाली नेशनल हाईवे पे टनल प्यारी और बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट होती है। अब ये रोड जाता है सीधा चंडीगढ़ का ये रोड है जी हाईवे गुरमाना चंडीगढ़ और ये चल गया शिमला की तरफ ये आगे पुल है और ये है बरमाना सीमेंट फैक्ट्री एसीसी फैक्ट्री तो मैं इस तरफ टर्न ले लिया और ये रोड जो सीधा चला गया चंडीगढ़ शहर के पास पुल इस्लाम पर सामने और ये है नया पुल बहुत प्यारी लग रही है यहाँ इतना प्यारा मंदिर भी यहाँ सामने की और इतना प्राकृतिक व्यू और ये इस जगह पे बिल्कुल अनछुआ अगर यहाँ टूरिज्म का डेवलपमेंट हो जाए तो अल्टीमेट चीज़ है और ये चलेगी ये बिलासपुर की तरफ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दो तीन दिन बाद मैं वापस आया हूँ पहले तो मैंने बड़ा 15 मिनट बड़ा वेलकम करते हैं ये फरोजी का पहनना किए पकड़ेगी बाजू पकड़ेगी मेरे फिर उसको काटेगी मुंह में डालेगी काटती नहीं है बस इसका प्यार जताने का तरीका है उसके बाद फिर बहुत खुश हुए फिर उसके बाद उनको जो भी चीज़ जिलाई थी वो खिलाई उसके बाद फिर सेटिस्फाई होकर अपने बेड पे सो गए आज मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे आए हैं तो थोड़ा धीरे धीरे मौसम अब ठंडे से ठंडा होता जा रहा है और दिवाली भी आ गई इस वीकेंड पे दिवाली है इस वीकेंड पे फिर दिवाली की सेलिब्रेशन होगी
और धीरे धीरे नवंबर आ गया, बर्फबारी भी हुई यहाँ पे, तो ऐसा है। देखते हैं क्या होता है। फोन कर नहीं रहा। ये चले गए दोनों आगे। जे राइनो, ये राइनो, ये राइनो, ये राइनो, ये राइनो। ये आजा रोज, आज आ मेरे बच्चे, जल्दी आ रोजू, कुछ नहीं उधर आजा रोजी, घर चलें, चलो घर चलते हैं। ए देखो घर चलने के नाम पे तो हम निकल गए हैं शाम को घूमने। एज यूजुअल रोजी आज आई नहीं है कि पटाखे फट रहे थे, आवाज़ आ रही थी तो वो नहीं आई डर के मारे। राइनो आ गया साथ में, ये शिमला वाली दीदी इसकी चली जाती है साथ साथ। ये अड़ गए यहाँ पे, ये देखो कितना दूर बैठा हुआ कि मेरे को आना नहीं अभी। क्यों क्या हुआ? उल्लू बना रहा था, हैं उल्लू बना रहा था, चल आजा फिर आजा। ये बहुत जोगियल बंदा है, कोई टेंशन नहीं, अपने घूमने जाना तो जाना ही जाना, मस्त रहता अपनी लाइफ में। कोई पटाखे फूट रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं, रोजी की तरह नहीं डरता। इधर 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 इस साइड आ जा, मेरे पास इसको बोल दिया कि साइड हो जा, साइड से चलेगा, कोई ज़्यादा चीख नहीं चिल्लाने की जरूरत नहीं उसको। चल इसी वजह से आपको गैस्ट्रिक हो जाती है क्योंकि सेंटर में नहीं है। ये देख लो अभी दर्द आ, ये देखो यहाँ दर्द है, यहाँ बस ए साइड आ गया भाई, ये बाहरी है। अच्छा ये देखो इधर आपको बाहरी बार लगता नहीं चलने में भी, चलने में नहीं तो, पर एक मैं कई बार ना कमीज पहनता हूँ हाफ वाइज जैसे टाइट ना तो लगता है मेरे, वो इस साइड उसकी जो सीध है ना वो हाँ। साइड तो दो तीन बार नोटिस करा मैं, पता नहीं ऐसे मेरे को डाउट है कि क्या है। तो आज हमारी उसका अच्छी आयन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी पेट में गैस्ट्रिक की, तो हम इनके इलाज करवा रहे हैं। बेचारे ये ऑफ जा रहे थे अपने काम पे तो ये वापस आ गए, और उनके साथ वो भी आए। चाय रखते हैं। बेलन भी लगाना इसमें, अंदर चल जाओ या तो नीचे वो मैट बिछाना था, मैट बिछाओने तो है ना, मैट बिछाता हूँ अभी, नहीं तकलीफ होगी। देखो मैंने कभी इनको बेलन से नहीं मारा है, बट आज मेरे बेलन का इस्तेमाल हो रहा है, आज मेरी इच्छा पूरी होगी करवा चौथ से पहले। साथ लेके छोड़ो, इसमें है इसमें।